बोलो बेटा, क्यों ऐसा? मतलब अफसोस तो बहुत हुआ आपका मकान टूटा सुनो। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे परवरदिगार। देखिए अंकल, अब जितना टूटा हमारा मकान वो हमारी किस्मत थी, हमारे बाप की गलतियों की करतूतों की सजा थी जो हम आपको मिली। और जो भी हुआ कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक हुआ, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को इसका कसूरवार ठहराएंगे। बल्कि बेटा एक बात बोलूँ, मैं आप मेरे को अंकल बोले, मैं आपको अब चाचा मामू कुछ भी समझे, एक रिश्तेदारी अंकल बोल दिया तो रिश्ता लग गया। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बाप ये मिल लो, मुलाकात कर लो, बेचारे परेशान रो रहे हैं, वो कर रहे हैं। अंकल, उनका रोना, उनके परेशानियां जितना हम समझ सकते हैं ना, उतना कोई भी नहीं समझ सकते। नहीं नहीं बेटा, देखिए आप लोग पिछले तो साल देखिए, नहीं, वालिद हो पिछले आपके, साल भी। जी वालिद है आपके वो। अंकल, बेशक वालिद है, हम लोगों की बदकिस्मती है ये कि हम उनके नहीं नहीं औलाद हैं ऐसा और वो हमारे ऐसा नहीं वालिद बोलना, हैं। आप एक सैयदजादी हैं, ऐसा नहीं बोलना। आप लोग सैयद हैं, माशाल्लाह आप लोग का मुकाम बहुत बुलंद है। इस तरीके मेरी से देखो, इज्जत सैयद नहीं, तकलीफ़ इतना झेलने वाले नहीं उसमें रहते। जी। बस अल्लाह आप लोग को सब्र दे बेटा। ये मेरी देखो जितनी उम्र है ना अंकल, इतनी उम्र में हम लोग उनका हर जुल्म से है। आपको देखिए बाप है, मालूम देखो होगा, आपको याद होगा, पहले भी 1.5 साल पहले लड़ाई हुई थी हम लोगों की उनसे। उस बीबी दिन भी है। उन्होंने गैर गलत हरकतें करे हम लोगों के साथ, बहुत ज्यादा टॉर्चर करे। इस हद तक वो उन्होंने टॉर्चर करे हम आगू के हम आगू फिर उनके साथ रहना नहीं था, फिर हम करते इसमें ख्वाजा बिलाल भाई का कुछ हाथ है क्या बेटा? नहीं नहीं अंकल, ख्वाजा बिलाल अंकल का कोई हाथ नहीं है, हकीम अंकल का कोई हाथ नहीं है, यासिर अरफात अंकल का कोई हाथ नहीं है, मुमताज अंकल का, इन्हों क्या करे। देखिए आप, मुमताज अंकल को इम्तियाज भैया को बेफिजूल गालियां दिए, वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद फिर झूठी कसम खा के उन्होंने ये बोले, यासिर अरफात को भी गालियां दी। देखिए उसमें यासिर अरफात अंकल के बारे में गैर गलत बातें करी, नहीं बेटा फिर बिल्कुल झूठी सही कसम है। खा के ये बोल देखिए रहे हैं कि अल्लाह, अगर ये वीडियो मेरा आपका है तो अल्लाह मेरे को निस्तो नाबूद कर देना। बोल के देखिए, झूठी कसम, हर बात पे झूठी कसम, झूठी बात रहती है उनकी। क्योंकि आपका नाम बेटा नबीहा बात कर रहे हो अंकल। माशाल्लाह नबिया, आपको बहुत चाहते हैं आपके वालिद साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी अंकल एक रिक्वेस्ट है आपसे। एक अंकल बोल दिया मेरे को मामू, जो भी रिश्ता आप लगा रहे, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, शुक्रिया इस बात का। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मिल लीजिए वालिद साहब से, आपके उन्हें बहुत परेशान हाल है। मैं मेरे आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन एक परेशान एक हाथों बोले तो मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे सामने ये बात मत करिए। मैं हाथा जोड़ती हूँ बोले तो आप पैरा भी पढ़ती हूँ, मैं आप ये बात मत करिए। उन्होंने वालिद साहब है, आप ये मेरे को ये बोलिए, कोई वालिद अपनी बेटी को 2 महीने कमरे में बंद करते, क्या नहीं। गलती थी मेरी? मैं खाली ये बोली कि डैडी आप ये जो गैर गलत वीडियोस बना रही हैं मत बनाओ। आप जो हकीम अंकल की बेटी के बारे में गैर गलत बात करे, आप ख्वाजा बिलाल अंकल की माँ बहन के बारे में जो गैर गलत बात करे, आप उन लोगों से माफी चाहो। आप मर्द है, आपको तकलीफ हुई तो आप मर्द से लड़ो ना भाई। आप मतलब अब आप हैं अंकल, अगर आपको रहती से प्रॉब्लम है या किसी और से प्रॉब्लम है तो आप क्या करते, उन कुछ बातें करेंगे, उनसे सड़ेंगे ना? नहीं, आप उनकी बहन से लड़ते बेटा। आप एक बार उनकी एक, बहन एक एक करते, सवाल आप एक उनके एक बिल्कुल सवाल उनके कर दो मैं बिल्कुल आपसे, गलत बातें करते। एक मैं सवाल बोली कि डैडी आप देखो, इन लोगों से माफी चाहो। बेटा, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, आप गैर गलत हरकत लोगों करो तो उन्होंने मेरे को क्या करे, कमरे में बंद कर दिए, मेरे से बात नहीं करे उन्होंने 2 महीने से। नहीं देखिए वालिद है वो, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को ना रहीम भाई से कुछ लेना है ना नाहिदा अम्मा से कुछ लेना है, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मिल लो दोनों। और एक बात ये, नहीं नहीं देखिए बेटा, क्योंकि मेरे को मिला है तो अल्लाह ताला मेरे को उसका अजर देगा बोल के काम कर रहा हूँ मैं। ये जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार कौन है? जुल्म सहने वाला है। देखिए अपने बड़े लोग भी देखो, फिरौन बीबी आसिया के साथ भी हरकत किया था, आपके साथ सबर करे, सबर वाले अपन सादात है, सबर करना अपना काम है। आप बस एक बार मेरी पूरी बात सुनिए, आप जी बोलिए, उसके बाद आप जो बोले वो करेंगे। बोलिए, सबको गालियां दिए, वो गालियां नक्को दिए, बोले हमारी नहीं सुने, बिना वजह मुमताज अहमद खान अंकल को गालियां दिए, बिना वजह इम्तियाज भैया से उन्होंने लड़े, बिना वजह यासिर फरफात अंकल को उन्होंने गालियां दिए। अब उसका क्या होगा, हमारे पे नहीं आएंगी वो बात जब उन्होंने उनके माँ बहन को गिनेंगे तो? बिना वजह उन्होंने क्या करे, हकीम अंकल का कुछ था इसमें, हकीम अंकल की बेटी को उन्होंने ऑल फॉल बात कर दिए। ख्वाजा बिलाल अंकल, चलो ख्वाजा बिलाल अंकल की कोई कॉल रिकॉर्डिंग से उनको एतराज था बोल के उन्होंने बोल रहे था भी, तो आप क्या करना था, डायरेक्ट ख्वाजा बिलाल अंकल को कॉल करना था,
उनके पास जाके मिलना था, मिलके बोलना था ये कैसा बोले बिलाल भैया, आप ऐसा नहीं करना था बोल के बोलना था। एक बार आप क्या करते हो उनकी बहन को, उनकी बीवी को, उनकी बेटी को गलत गलत बातें बोलते? नहीं अम्मा, एक जज्बात में बोल दिया, इंसान है, इंसान है। सुनिए, अब्दुल्ला सादी भैया है, अहमद सादी अंकल है, इन लोगों का क्या था भाई इसमें, उनके खिलाफ भी वीडियो। खैर चलो बोल दिए, जब हमारा घर तोड़ने के लिए म्युनिसिपल वाले आए थे, सबसे पहला फोन अहमद सादी अंकल अब्दुल्ला भैया करे हमारा घर बचाने के वास्ते, फिर भी इन्होंने क्या करे उन लोगों के खिलाफ। हाँ, समद बिन अब्दात अंकल, फहद भैया का इसमें क्या था, फहद बिन अब्दात भैया का? नहीं, क्योंकि परसों जो रोए ना रहीम भाई, उस चीज से मेरे को इतना अफसोस हुआ। आप मेरी पूरी बात सुनिए, मैं आपको वो भी बात बोलती हूँ, आप पूरी बात सुनिए मेरी, फहद भैया का, समद बिन अब्दात अंकल का इसमें क्या था, उन लोगों के बारे में वीडियोस बनाए क्या कर रहे हैं, उन मम्मा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। यूसुफ पटेल अंकल, आपको मालूम उन्हों कितना वो करे हमको, घर टूट रहा तो कितना अफसोस करे उन्हों, उनके पास भी जाके उनको भी गैर गलत बातें बोल दिए, उनके बारे में वीडियोस बना दिए। और मैं सुनिए आप, ये जो वीडियोस बन रहे थे जब कंटिन्यू मुमताज अंकल के खिलाफ, इम्तियाज भैया के खिलाफ, फजा बिलाल के खिलाफ, यासिर अरफात अंकल के खिलाफ, हकीम अंकल के खिलाफ जो कंटिन्यू वीडियोस एक के बाद एक, रोज एक वीडियो, रोज एक वीडियो जब बना रहे थे, तो मैं बहस करी, दोनों मेरे को 2 महीने कमरे में बंद कर दिए। फिर एक बार क्या करिए, इनके दोस्त वहीद अंकल बोल के है, हकीमी न्यूज के देखे उन्हों, और एक यूनुस अंकल बोल के जिनके लिंक्स हैं उनके पुलिस डिपार्टमेंट एसीपी वगैरह से, एसीपी उनको खास दोस्त बोलते हैं उनके, यूनुस अंकल को, तो उन दोनों को लेके आके घर में बिठाए थे उन्होंने। तो मैं क्या करी, बाहर निकली, निकल के बोली वहीद अंकल, यूनुस अंकल, आप ना बड़े है ठीक है, इन्हों हमारे डैडी से मेरा एक ही गिला है इनसे कि इन्हों दूसरों की बेटी को, दूसरों की माँ बहन को गलत नहीं बोलना, इन्हों जाके उन लोगों से माफी चाहो बोलो इनको बस। मैं भी वही बोली, मम्मा भी वही बोली, बीवी बेटी से लोगों की इन्हों जिस जिस की बीवी बेटी उनको गालियां देना भाई, उन लोगों से माफी चाहो बोलो इनको, बोली मैं गलत बोली बेटा। और एक बात ये है, उल्ला गवाह है, सबके सामने उन्होंने मेरे को कैसे कैसे गालियां दिए, मेरे को, मम्मा को, उन्होंने कैसे कैसे गालियां दिए, यूनुस अंकल, वहीद अंकल गवाह है इस बात के। खैर जो हो गया हो गया, रमजान आ रहा, आप लोग मिल लो। सुनिए अंकल, आप सुनिए मेरी बात सुनिए ठीक है। आपको याद होगा 1.5 साल पहले लड़ाई हुई थी, वो भी सोशल मीडिया पे बहुत तमाशे करे डैडी हमारे। बेटा भाईसा इतना बेटा, वालिद है आपके, देखो जन्नत जन्नत का दरवाजा है, माफ कर दो आप वालिद को, आप और आपके अम्मी वालदा को माफ करो। बेशक हमारे वालिद हमारे जन्नत का दरवाजा है, हम उनको माफ कर दिए, लेकिन हम आपको उनसे नहीं मिलना है अंकल। अरे अल्लाह अकबर। अच्छा, इस घर तोड़ाने में ख्वाजा बिलाल भाई का तो हाथ नहीं है? मार्केट में चल रहा, वायरल चल रहा कि ख्वाजा बिलाल का हाथ है, ख्वाजा बिलाल का हाथ है, किसी का भी हाथ नहीं है। हमारे डैडी के हरकत ऐसे थे, कोर्ट के ऑर्डर आने पे घर का वैसा हुआ। नहीं अब देखो हो गया जो भी हुआ, हम मिलने के नई जिंदगी गुजारो, आप लोग नई जिंदगी गुजारो बेटा। आप मेरी पहले बात सुनो अंकल, आप 2 मिनट मेरी बात सुन लो। आप बोलिए, 20 साल से इन्हों हमारे पे कैसे कैसे जुल्म करे, ये हम हमारे वालदा जानते खत ठीक है मेरे। अच्छा उन्होंने बोल रहे हैं उनको बच्चों से मोहब्बत है, कोई बाप बेटी को बदुआ देता? अब वो तकलीफ में है, आप लोग दूर है, बोल के तकलीफ में है। कौन सी तकलीफ, किसी की माँ बहन को गलत नहीं बोलना बोले सो तकलीफ? अब जो उनको मोहब्बत, अच्छा चलो मेरे को बोल लिए ठीक है, उनको बच्चों से मोहब्बत है बोल रहे ना, उन्होंने घर में बच्चे रह रहे तो आपको उससे भी तकलीफ है। आज जो उन्होंने ये सब वीडियोस बना रहे हैं, कई को बना रहे हैं, उन्होंने बोल रहे हैं अल्लाह और बर्बाद होना मेरे भी बच्चे, कई को बर्बाद नहीं हो रहे। आज उन्हें सबके सामने बोल रहे हैं अल्लाह ताला उनकी बेटी को, आज उन्हें सबके सामने बोल रहे हैं अल्लाह ताला उनकी बीवी को, बेटी को तबाह कर दे रहा, निस्तो नाबूद कर दे रहा। अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र एहसान है हमारे पे, जो आज हम लोग अच्छे है, खाए पीके हमारी जगह पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे है। नहीं मिल लो, मिल के अल्लाह से आओ, आप लोग उमरे को चले जाओ, जाके सब चीज का टॉर्चर कैसा जाते हैं अंकल, तलाक हो गया मम्मा डैडी का? नहीं उन्होंने, झूठे हैं अंकल, उन्होंने झूठे खसमा, उनके खसम, उनकी हर बात झूठी, उन्होंने बगैर झूठ के कोई बात नहीं करते मालूम आपको। आप खाली उनसे बात करो, बात करके क्या रहे मैं आपका एक वीडियो देखा था मैं, बोलो उन्होंने क्या बोलते अगली वीडियो में, अरे फलाने सईद खादरी भाई मेरे को तारीफ करे, बहुत फूल का हार पहना दिए मेरे को। अल्लाह ताला एक बार नहीं 10 बार उनका झूठ सबके सामने लाया। ठीक है बेटा चलिए, अल्लाह आप लोगों को इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्होंने इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको मालूम,
आज ये जो वीडियोस बना रहे हो ना मेरे ससुराल वालों को लेके मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरे ससुराल वालों को कहते हो ना महीने को महीना पैसे देते कहते राशन दलाते कहते कई को फोन करते अंकल उन्होंने करे झूठी बात बोल रहे हैं ये हमारे मम्मा के मेरे भाइयों का नाम नहीं बोलूंगा मैं रहीम भाई जज्बात में आके बोल दिए लेकिन वो आदमी भी बहुत अच्छा है तारीफ सुना मैं उनकी भी आप लोगों की तारीफ सुना मैं रहीम भाई की भी तारीफ सुना आपकी भी तारीफ सुना मैं जज्बात में बोले होंगे अल्लाह आप लोगों को जल्दी मिला दे जज्बात नहीं है उनकी झूठी बात है उन्होंने मम्मा को खानदान को लेके मम्मा को ब्लैकमेल कर रहे हैं कई को कर रहे हैं वापिस आ जाना बोल के पिछली दफा भी ऐसे करे वीडियोस बना बना के ब्लैकमेल करके हम लोग को वापिस लेके आए उन्होंने आपके भी वॉइस कर रहे हैं उन्होंने इनको बुला लेना घर में रख लेना नहीं हम लोग को आप लोगों की अल्लाह के पास भी पूछे तलाक हो गया मम्मा रेडी का अल्लाह बात कर लिए हमला मौलवियों से पूछे ऐसा है क्या है इसका बोल के तो तलाक हो गया बोल के बोले अल्लाह ठीक है बेटा चलिए अपना ख्याल रखिए आप लोग अपना ख्याल रखिए अल्लाह आप लोगों को खैर दे सर आप मेरी और एक बात सुनिए मेरी अभी बात कंप्लीट नहीं हुई आप बस सुन लीजिए जी एक बार उन्होंने एक बार तलाक 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 नहीं बोले पहले भी बोलते गए उन वक्फे वक्फे से जैसा तलाक देना है वैसा भी दिया उन्होंने तलाक जी जी सबके सामने दिए आखिरी बार जब तलाक 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 जब बोले मैं ही मेरी बहन आफरा मेरा छोटा भाई अरफाज तीनों उनके सामने ठहरे हुए थे खैर तलाक तो आपकी मम्मा का हुआ लेकिन आप लोग तो मिल सके ना बेटा अल्लाह तो ये चीज अल्लाह को तो सब मालूम है ना सच झूठ क्या है अल्लाह नहीं जानता क्या और बेटा तल्लाह आपकी मम्मा मेरी बात सुनिए अब मेरी एक बात सुनिए आखिरी सवाल है बेटा मेरा आखिरी सवाल है माँ बाप का तलाक हो रहा दिन अल्लाह ताला कोई औलाद को नहीं दिखाना ये दिन जो हमारे पे बेशक तलाक आपकी मम्मा का हुआ आप लोग तो उनकी औलाद है आप लोग तो मिल सकते ना बेटे तड़प रहा एक बाप तड़प रहा उनकी तड़प देख के बोल रहा हूँ मजा नहीं हमारे हस्बैंड वो क्या करे अंकल आप अच्छा आपके बच्चे है अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे को बेटे बेटियां हैं तो माशाल्लाह आप आपकी बेटियों के ऊपर कुछ भी गैर गलत इल्जाम लगाते अम्मा मेरी अपनी जान दे दूंगा मेरी औलाद के लिए आप आपके बेटियों को ये बोलते अब तक जो पाला में तुम लोगों की तनख्वाह थी ये बोलते तबा तबा नहीं ऐसा कैसा हक है हमारा हक है हमारी औलाद के लिए हमारा हक है हमला पैदा हुए जब से अब तक उन्होंने हम आपको कुछ भी नहीं करे हमारे नाना को मैं अब्बा बोलती हूँ हमारे नाना हमारे बड़े ताया मोइन ताया पापा जो है हमारे उन्होंने हमारे फुक्कू जान जो दुबई में रहते साजमा फुक्कू जान उन्होंने हमको पाले हमला होश संभालने तक हमारे हमारे अब्बा हमारे ताया पापा हमारे फुक्कू जान हमको पाले स्कूलों की फीस बने कपड़े ईदों को कपड़े बनाए घर में खाना राशन वगैरह इन लोग देखिए हमारे वालिद क्या करते थे आपको मालूम हमारे डैडी आना सो जाना उठना चले जाना दोस्तों में फिरना हर याशी करे उन्होंने जिंदगी में हमला गवाह है इस बात के बचपन से रोते थे हमारे मम्मा कैसा रोए हमारे मम्मा को कैसा कैसा मारे हम देखे पैसे कमाते थे दोस्तों के ऊपर उड़ाते थे उनका हर एक दोस्त गवाह है इस बात का उन्होंने कितना पैसा उड़ाए जितना उन्होंने कमाते नहीं थे ना उतना पैसा उन्होंने उड़ाए खैर अम्मा अल्लाह आप लोगों को सब्र दे मैं यही दुआ करूंगा रब्बुल इज्जत से माँ बाप को अपनी बेटी से मिला दे परवरदिगार संभाले ना अंकल जब से देख रहे हैं हम लोग ये चीज हमारा न्यूज चैनल सुनिए आप जब से हम लोगों का न्यूज चैनल शुरू हुआ ना जब से मैं मेरा छोटा भाई अरफा से रेटिंग करते जी हमारे मम्मा न्यूज बनाते ठीक है हमला तीनों मिलके आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पोस्ट पे आए थे इनका एक ही काम हुक्का पीना ऑर्डर आ देना ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो बस आज उन्होंने क्या बोल रहे हैं हमारे पाले कहते हमको तनख्वाह दिए कहते हम आपको अब तक जो उन्होंने पाले ना वो हमारी तनख्वाह थी कहते उनके वास्ते काम करने की उन्होंने हमारे मम्मा कभी एहसास तक नहीं जताए कि अरे तुम नहीं कमाते रहीम बोल के नहीं बोले उनको कभी उल्टा कुछ भी चीज लेना है कुछ भी करना है तो पहले गाड़ी में जैसा गाड़ी में बैठे हुए रहते थे दुकान के सामने रुकते कि पहले पर्स में से पैसे निकाल के लो रहीम ले लो ना होना है देखो ये पैसे तुम्हारे करे रखो बिल तुम देना बेटा एक बात आखिरी बार एक ही बात बोलूंगा क्या नहीं करे नहीं अंकल क्या नहीं करे उनके वास्ते आपको मालूम अब तक मैं उनको कोई चीज के वास्ते नहीं बोली मेरे को लोग बेटों को तक ऐसा यूज नहीं करते जैसा उन्होंने मेरे को बोले नभिया ये कर नभिया पीएस को जा नभिया मम्मा के साथ शूट कर कैमरा मैन नहीं है नभिया तू वीडियो लेना नभिया तू ये करना नभिया तू वैसा करना जी रेडी अच्छा रेडी ओके रेडी नभिया रिश्ता है अच्छी बात रेडी नभिया ये तारीख को निकाह करने वाला हूँ अच्छी बात रेडी नभिया
ये रिश्ता मेरे को पसंद नहीं आ रहा, अच्छी बात है नबिया, वैसा अच्छी बात है। बारे में कुछ फिर एक बार पूछ रहा हूँ मैं, उनका घर तोड़ाने में हाथ तो नहीं था ना? क्लियर बोलो। नो नो अंकल, किसी का भी कुछ भी हाथ नहीं था अंकल, सब हमारे डैडी के करतूत थे अंकल। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिए, अगर कुछ भी जरूरत रही गरीब भाई मामू को याद करें आप। अंकल एक आखिरी बात मैं ये बोलती हूँ आपको। जी बोलिए माँ। जी अगर वाकई हमारे डैडी को हमारे से मोहब्बत रहती ना, तो आज जो वीडियोस बना रहे ना, ऐसे वीडियोस नहीं बनाते थे उन्हों। ये वीडियोस बना के उन्हों उल्टा हमारी जिंदगी पूरे खराब करना चाह रहे हैं उन्हों। नहीं वो तड़प है, एक बाप की तड़प है बेटा, आप वो सोच रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत जो बाप औलाद को जैसा चाहता ना, हमारे बाप अम्मा को वैसा नहीं चाहे। मेरा एक ही मकसद मतलब मोहब्बत उनकी बात की है। अगर आज इस वक्त उनके पास पैसा रहता ना, तो उन्होंने हमारे पलट के भी नहीं देखते थे। मेरा एक ही हुआ था साहब इंटेंशन के, एक आपको मालूम करे पीले के मेरे ससुराल वालों के घर के सामने जाते बोल के तमाशे करे वहाँ पे मेरे ससुराल मेरे खिलाफ, आप देखे होंगे न्यूज दूसरे मेरे खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं। आज देख के बात करूँ की आखिर मिला दिए तो रमजान आ रहा हमारे। अच्छा, नहीं, 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 आप, आपके दो बेटियां हैं बोले ना आप। जी आप बोल रहे हैं ना दो बेटियां हैं आपके, बोल के आपके बेटियों के खिलाफ अगर खुदा ना खासा कोई फेसबुक पेज पे आपकी बेटी की फोटो ला के साथ में कोई और गैर बच्चे की फोटो ला के बोल रहे हैं इसकी शादी इससे होना बोल के मैटर लिख के डाल रहे हैं कुछ, तो आप वो आपकी बेटी के ससुराल वालों को स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं। ये गलत है, ये गलत है, कर दिए जज्बात में करेंगे भाई। जज्बात नहीं बोलते अंकल, कितने अंकल अल्लाह रसूल भी तो है ना अंकल, अल्लाह ये नहीं फरमाया छोटी तो छोड़ो, अल्लाह ताला सच्ची कसम भी खाने के बारे में सोचो बोला, इन्हों हर आए दिन छोटी छोटी कसम खाते इल्जाम लगाए थे मम्मा के ऊपर, गैर आदमियों को लेके कितने इल्जाम ने लगाया। ठीक है ना भैया, अपना ख्याल रखो बेटा, रखता हूँ मैं, बहुत देर हो गई। ओके अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह।